धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, क्योंकि ये है इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। करीब 6 महीने बाद चली प्रधानमंत्री के सपनों की वंदे भारत। नई दिल्ली से चलकर वाराणसी को जाने वाली 2-2-4-3-6 वंदे भारत एक्सप्रेस आज से पुनः एक बार 0-2-4-3-6 स्पेशल के नाम से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आज लगभग नगण्य यात्रियों ने इस ट्रेन से कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के लिए आरक्षण टिकट लेकर यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की ट्रेन वंदे भारत की यात्रा आज से शुरू हो गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत इस ट्रेन में भी कई सुविधाएं बढ़ती गई हैं और ट्रेन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का इंतजाम किया गया है। इस ट्रेन में आज ना के बराबर यात्रियों ने सफर किया और वापसी में कानपुर और नई दिल्ली के लिए काफी कम आरक्षण हुए हैं। रेलवे द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा चलाए गए कुछ यात्री गाड़ियों में से प्रमुख वंदे भारत एक्सप्रेस 6 महीने बाद पुनः संचालन शुरू हो तो चुका है और अभी यह वंदे भारत स्पेशल के नाम से चल रही है। जैसा कि रेलवे में यह भी घोषित कर दिया है कि प्रयागराज एवं उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत 16 और इसी तरह की निजी क्षेत्र की गई गाड़ियों को चलाया जाएगा। यह किस स्वरूप में चलेंगी और इसको कब शुरू किया जाएगा, यह अभी सोचने एवं समझने की बात है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जहां रेलवे अपनी ही गाड़ियों को रोजाना अपने कार्यक्रम के तहत नहीं चला पा रही है, तब इन कार्यों का संचालन करना काफी मशक्कत की बात होगी। कन्वीनियंट हो गया है किसी भी के लिए, टिकट अवेलेबल हो जाएगी। और ज़्यादा टिकट के क्राइसिस होते थे क्योंकि ट्रेन कम थी, अब ट्रेन ज़्यादा हो गई तो क्राइसिस थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब देखिए, लाभदायक तो है ही, साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क और बढ़ेगा ही, क्योंकि गैदरिंग और बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे होगा। लेकिन ये है, जिनको डेली का जिनका जाना आना है उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। चंचल श्रीवास्तव, आई एम एम्प्लॉय एट हाईकोर्ट इलाहाबाद। अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बाकी तो ट्रेन में सब ठीक ही है, बहुत अच्छे से रहा। हाँ हाँ, पूरे हुए थे क्योंकि वैसे भी पैसेंजर बहुत कम थे, ठीक है, तो लोग दूर दूर ही बैठे थे, और ट्रेन में साफ सफाई भी पहले से करके रखा हुआ था, बहुत अच्छी सफाई वगैरह भी थी, और बीच में भी सफाई करते रहे वो लोग, तो इसलिए कोविड का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया। और मेरा नाम भूपेश सिंह है, भूपेश।